गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द पोयम विंड। आज मैं आपको पोयम विंड जो है उसके शॉर्ट आंसर्स कराने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में हवा क्या करती है, ये हमको इसका आंसर देना है। सो द आंसर इज इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड ब्लोस स्ट्रॉन्गली। पहले स्टेंजा में पोएट हमको बताता है हवा बहुत तेज चलती है। इट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ये खिड़कियों के जो फ्रेम होते हैं उनको तोड़ देती है। इट स्कैटर्स द पेपर्स, ये कागजों को फैला देती है। एंड थ्रोस डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, और सेल्फ से पुस्तकों को नीचे गिरा देती है। टियर्स द पेजेस, पेजों को फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स इन अगेन, और फिर से तेज बारिश ले आती है। It destroys houses and makes one of weak persons, यह घरों को नुकसान पहुंचाती है, उनको नष्ट कर देती है और गरीब लोगों का मजाक उड़ाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Have you seen anybody winnowgrain at home or in a paddy field? क्या आपने किसी व्यक्ति को घर पर या धान के खेतों पर विनो करते हुए, विनोग्रेन का मतलब होता है कि हम जो चावल होते हैं उनको उनके भूसे से और अनाज से अलग करना। वॉट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, यानी कि आपकी भाषा में सभी जगह अलग अलग शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब हम चावल को धान से अलग करते हैं तो क्या उसे आपके जहां आप रहते हैं वहां किसी और भाषा शब्द से पुकारते हैं? वॉट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, और जब लोग चावल को धान से अलग करते हैं, धान से चावल को अलग करते हैं तो भूसे को अलग करते हैं तो वो किस चीज का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर हमको देना है। यस आई हैव सीन मैनी विलेज फार्मर्स ब्लोइंग हीप्स ऑफ ग्रेन्स इन द ग्रेनरी, हाँ मैंने कई किसानों को जहाँ पर उनका अनाज का भंडार होता है वहाँ पर चावल को धान से अलग करते हुए देखा है। वी यूज द बर्ड ब्लोइंग, और उड़ाना फॉर ब्लोइंग, और इस कार्य के लिए हम जिन शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पर ब्लोइंग कहीं पर उड़ाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। छज यानी कि सूपा इज यूज फॉर ब्लोइंग, इसके लिए हम सूपे का प्रयोग करते हैं। फार्मर यूज दिस मेथड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क एंड स्ट्रॉ एटसेट्रा, और किसान जो हैं इस विधि का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि जो उनका अनाज है वो धान से और भूसे से, चावल जो है वो धान से और भूसे से अलग हो सके। यानी कि चावल धान चावल को या गेहूं को हम उसके उससे हम भूसे को या उसके संग जो अन्य चीज़ें लगी हुई हैं उनको हम अलग कर सके। यानी कि प्योर चावल और प्योर गेहूँ को उसकी बाली से अलग करना ही, और चावल को उसके धान से अलग करना ही विनोइंग कहलाता है। What does the poet say the wind god winnows? कवि क्या कहता है विंड विनोस के बारे में? The wind god winnows books, papers, houses, windows, doors, trees, bodies and whatever comes its way. कवि कहता है कि जो तेज हवाएं होती हैं पुस्तकों को नष्ट करती हैं, कागजों को नष्ट करती हैं, घरों को नष्ट करती हैं, खिड़कियों को नुकसान पहुंचाती हैं, दरवाजों को नुकसान पहुंचाती हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जो कुछ भी उसके मार्ग में आता है हर चीज को वह नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट वन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड, यदि हम हवा को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? What should we do to make friends with the wind? यदि हम हवा को अपना मित्र बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? Answer, we should build strong homes. हमें अगर यदि हवा को अपना मित्र बनाना है तो हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। Join the doors firmly. दरवाजों को अच्छी प्रकार से दीवालों से जोड़ना चाहिए। And practice to make ourselves फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, और हमको अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और दृढ़ करने का अभ्यास करना चाहिए। देन द विंड विल बी अवर फ्रेंड, तब हवा जो है वो हमारी मित्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोयम मीन टू यू, इस पोयम की जो आखिरी फोर लाइन्स है वो आपका उससे आप क्या समझते हैं, वो आपको क्या मैसेज या संदेश पहुंचाना चाहती हैं?
द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोयम मीन दैट द विंड विल बिकम अवर फ्रेंड इफ वी आर स्टॉर्म। इस पोयम की जो लास्ट फोर लाइन्स हैं उनका अर्थ ये है कि यदि हम मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, दृढ़ होंगे, स्थिर होंगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। इट ब्लोस आउट द वीक फायर्स एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिस। यह कमजोर हवा को बुझा, कमजोर आग को बुझा देती है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो मजबूत आग होती है, उसको और तेजी से जलाती है। इट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अस। यह हमारी हवा जो है वो हमारी अच्छे मित्र होती है। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। हवा जो है वो सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होती है। वे प्रेज इट एवरी डे, और हमें प्रतिदिन इसकी प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रतिदिन इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर। कवि जो है वो हवा से किस प्रकार बात कर रहा है, क्रोध से बात कर रहा है या मजाक में बात कर रहा है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रिम्बलिंग लाइम्स। आपने अवश्य ही हवा को देखा होगा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हुए, कष्ट पहुंचाते हुए। व्हाट इज योर रेस्पॉन्स टू दिस। तो इसमें आपकी क्या जवाबदेही बनती है। इज इट लाइक द पोएट्स। क्या ये आपकी राय जो है वो कवि की तरह ही है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कवि कहता है प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति के जो तत्व हैं, जिसमें से हवा भी एक है, प्रकृति के तत्व बहुत शक्तिशाली होते हैं। दे आर बोथ आवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज। वे हमारे मित्र भी होते हैं और वे हमारे शत्रु भी होते हैं। व्हेन द विंड टर्न्स इनटू अ स्टॉर्म। जब हवा तूफान में बदल जाती है, तेज हवा बदल जाती है। इट कैन ब्लो अवे ट्रीज, हाउसेस, शिप्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये पेड़ों को, घरों को, पानी के जहाजों को और प्रत्येक वस्तु को उड़ाकर ले जा सकती है। विंड ब्रिंग साइक्लोन्स दैट कॉज डिवास्टेशन। और हवा जो है वो बड़े बड़े तूफान भी लेकर आती है और जिससे बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। बट आई एग्री विद द पोएट। लेकिन मैं कवि की बात से सहमत हूँ। दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रोंगर बिल्डिंग्स। कि हमें जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो इंसान के अपना शारीरिक रूप से बिल्डिंग हो या फिर वो कोई निर्जीव बिल्डिंग हो, उसको मजबूत बनाना चाहिए। अर्थात हमें अपने आप को भी और जो निर्जीव वस्तुएं से जिन चीज़ों को बनाया जाता है उनको मजबूत बनाना चाहिए। देन विंड कैन डू लेस हार्म। तब हवा जो है वह कम नुकसान पहुंचाएगी। Dear student, these are all 6 short questions of the poem Wind. आप इन questions को लिखिए, इन questions को याद करने की कोशिश करिए। It will help you. ये आपको मदद करेंगे in your exams. Have a nice day. Bye bye.